एनालिसिस पर स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोगों ने डेफिनेटली पैसा कमाया होगा मार्केट से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लेवल्स आपको बताए थे। जितने लोगों ने लेवल्स के ऊपर काम किया होगा, जितने लोगों ने उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड किया होगा, पैसा ज़रूर कमाया होगा। इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि सीखने की बात है। आपको मार्केट में काम करने का मतलब ये है कि आपको मार्केट में काम करने के साथ साथ आपको सीखना है कि कैसे आपको काम करना है, क्या चीज़ है। सारा प्रोसेस मैं आपको देता हूँ, तो आप लोग को इजी हो, आप लोग को पता चले, ये आपको अच्छा लगे और आपको मार्केट में कुछ ऐसा आपको इजी हो। इसीलिए मैं आप लोग को कुछ लेवल्स निकाल के देता हूँ। जितने लोग लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना जानते हैं, उन लोग को कुछ दिक्कत नहीं है, वो लोग ईजीली मार्केट में ट्रेड करके पैसा निकालते हैं। और जिनको पता नहीं है कि कैसे क्या काम करना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर जब तक आप लोग क्लासेस में नहीं बैठोगे, जब तक आप लोग क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हो, आपको समझ नहीं आता है, हाँ ठीक है, आप लोग के लिए मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। इतना एडवांस हम लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना बड़ा 3-4 घंटे का सेशन जो है आपको मतलब अपलोड नहीं करके दे सकते, बट हाँ कुछ कुछ पॉइंट जो है मैं आप लोग को छोटा छोटा सा वीडियो में बना के आपको आगे फ्यूचर में दे सकता हूँ। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कल के लिए। कल कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे के अंदर, और कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दे के आप लोग को ट्रेड करना चाहिए। और हम लोग चलते हैं डायरेक्टली लेवल्स के ऊपर, और कौन से लेवल पर हम लोगों ने ट्रेड के प्लान किए थे, और कौन से लेवल पर आपको ट्रेड करना था, और क्या सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को स्किप मत करिए, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, क्योंकि आप लोग के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। चलिए लेवल्स के ऊपर चलते हैं। हमने टाटा मोटर्स का लेवल बताया था 448.15 पैसा के नीचे अगर सस्टेन करता है सेल करना है, 451.85 पैसा के ऊपर आपको बाई करना चाहिए। टारगेट 462.70 पैसा तक मैंने बताया था। अगर देखा जाए मार्केट यहाँ पर ओपन कितना में हुआ, 455 में ओपन हुआ, 452 का लो लगाया, यानी कि हमारा 51.85 पैसा का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर उसने लो लगा के ऊपर चला गया 460 रुपीज़ 75 पैसा तक। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, मैंने आपको पहले से बता दिया था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसको ये हीट करने के लिए ऊपर जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लेवल्स आपको मैं दे रहा हूँ वो लेवल्स को फॉलो करना है। ये लेवल्स देखो, ये लेवल्स देखो, जितने भी लेवल्स आपको मैंने दिए थे वो सारे लेवल्स यहाँ पर अचीव हुए। तो चलते हैं यहाँ पर थोड़ा एक रेजिस्टेंस के आसपास जाके एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट नीचे आए और एक ऊपर के लिए मूव आपको देखने को मिले। तो डायरेक्टली चलते हैं लेवल्स के ऊपर, और टाटा मोटर्स के लेवल्स क्या रहेगा वो सारा चीज़ मैं बता देता हूँ। गाइज अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके सामने लेवल्स आ रहे हैं, उनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सो दैट आपको मार्केट में काम करने में कुछ दिक्कत ना हो। टाटा मोटर्स का सपोर्ट रहेगा 451.75 पैसा। अगर टाटा मोटर्स 451.75 पैसे के नीचे सस्टेन करता है सेल कर सकते हो। टारगेट रहेगा 447.45 पैसा, 443.20 पैसा। रेजिस्टेंस आपका रहेगा 456.25 पैसा। जैसे ही 456.25 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है बाय कर सकते हो। टारगेट रहेगा 460.75 रुपीज़ 75 पैसा, 465.70 पैसा। याद रखिए 451.75 पैसे के नीचे आपको सेल करना है। रेजिस्टेंस आपका रहेगा 456.25 पैसा, रेजिस्टेंस के ऊपर आपको बाई करना है। तो गाइस जो भी लेवल्स है मैंने आपको क्लियरली बता दिया हूँ, देखिए लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिए, मार्केट में आपको अच्छी तरह से पैसा कमाने का मौका जरूर मिलेगा। चलिए डीएलएफ के ऊपर चलते हैं। डीएलएफ में भी हमारे लेवल्स अचीव हुए, बट यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। जैसे कि हम बाइंग साइड के लिए प्लान कर रहे थे, बट हमारा रेजिस्टेंस पे ओपन होके नीचे यानी कि सेलिंग पर मार्केट आया। तो फिर भी इसमें भी देखते हैं अभी हम लोग के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, और काफ़ी अच्छा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए नॉर्मली तो अब एक प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा था,
तो अभी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसको थोड़ा अभी नीचे आना चाहिए और आगे चल के ये ऐसा मूव करना चाहिए। तो डायरेक्टली चलते हैं हम लोग, क्या लेवल्स हमने दिए थे आपको और कौन से लेवल पर उसको आपने ट्रेड किया होगा वो देखते हैं। हमने बताया था कि 356.60 पैसे के नीचे अगर सस्टेन करता है सेल कर सकते हो, टारगेट 14.15 पैसा तक था, और 361.40 पैसा के ऊपर जाएगा तो बाई करो, 364.55 पैसा और 368। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है ऊपर ओपन हाई लो और क्लोजिंग, आप देखिए 64.20 पैसा, हमने क्या कहा था 64.55 पैसा के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ओपन कहाँ पर हुआ, 64, जहां पर ओपन हुआ वहां से नीचे आने लगा। जितने लोगों ने 64 के आसपास सेल किया होगा या 60 61 के आसपास जितने लोगों ने भी उसके नीचे भी सेल किया होगा, अच्छा खासा पैसा यहाँ पर जरूर कमाया होगा। तो चलते हैं डायरेक्टली लेवल्स के ऊपर, इंट्राडे में क्या लेवल्स हो सकते हैं डीएलएफ के। डीएलएफ का सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए, 352.15 पैसा का सपोर्ट है। अगर डीएलएफ 352.15 पैसा के नीचे सस्टेन करता है आप उसको सेल कर सकते हो, टारगेट रहेगा 344.25 पैसा और रेजिस्टेंस रहेगा 358.40 पैसा। जैसे ही 358.40 पैसा के ऊपर सस्टेन करता है रेजिस्टेंस के ऊपर बाय कर सकते हो, 361.55 पैसा, 364.70 पैसा। याद रखिए जो लेवल्स आपको मैं दे रहा हूँ वो लेवल्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे मार्केट में, इन लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। 352.15 पैसा के नीचे सेल करना है, 358.40 पैसा के ऊपर आपको बाई करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। जाने से पहले आप सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको लेवल्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है जिस भी फॉर्मेट में आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तक 65% से 70% लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। यार अगर कोई दुश्मनी है तो दुश्मनी निकालो, सब्सक्राइब बिना सब्सक्राइब करके वीडियो को मत देखो यार, अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तबीयत खराब होने पर भी वीडियो बना के दे रहा हूँ, फिर भी आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपका फिंगर लेके उस सब्सक्राइब के बटन पर दबाना है बस। अगर वो रेड कलर के हाईलाइट में दिख रहा है उसमें दबा के सब्सक्राइब करो, उसको ग्रे कलर में कन्वर्ट करो, अगर ऑलरेडी है तो थैंक यू सो मच, प्लीज इतना तो रिक्वेस्ट रखो मेरा। चलिए अशोक लेलैंड पर चलते हैं, अशोक लेलैंड के ऊपर क्या लेवल्स है वो देखते हैं। और अगर देखा जाए अशोक लेलैंड के ऊपर भी हमने काफी अच्छे लेवल्स बताए थे, कहां तक मैंने लेवल्स आपको दिया था एक बार याद करके मुझे बता दीजिए। चलो एक बार अशोक लेलैंड का मैं आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा दिखा देता हूं कि अशोक लेलैंड कैसे चले अशोक लेलैंड का हम लोग अभी थोड़ा पैटर्न देखते हैं। जैसे कि अशोक लेलैंड पर हमने एक चीज आपको क्लियरली कहा था, अगर अशोक लेलैंड रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, रेजिस्टेंस क्या है 147.30 पैसा, इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है बाय कर सकते हो, 49.80 और 151 यहाँ तक टारगेट हो सकता है। सपोर्ट 146 का 46 है, उसके नीचे भी चलेगा तो यहाँ तक जा सकते हैं। जितने लोगों ने यहां पर अशोक लेलैंड को ट्रेड किया होगा काफी अच्छा पैसा कमाया होगा, क्योंकि 147.70 पैसा में ओपन हुआ, लो लगाया 47 का, सॉरी 46 का लो लगा, 46 समथिंग यहाँ पर आपका लो लगा हुआ है 46.95, और यहां से मार्केट हमारा 151.85 पैसा, यानी कि दो टारगेट यहां हमारा था, दो टारगेट को यहां पर अचीव किया मार्केट ने। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो जो लेवल्स आपको दिया जाता है उन लेवल्स को फॉलो करो, उन लेवल्स को वेट करके रखो, मार्केट में वो लेवल्स अचीव करते हैं। ऐसा नहीं कि जो लेवल्स मैं देता हूँ आज मार्केट में लेवल्स अचीव नहीं हुआ, कल भी अचीव नहीं या परसों भी अचीव नहीं हुआ। अगर लेवल्स अचीव नहीं होते हैं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता, मार्केट में वो लेवल्स में ट्रेड होता है, वो लेवल्स मार्केट में दिखते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए डेली मेहनत करके वीडियो बना के आप लोग के दे रहा हूँ।
रीजन ये है कि जो लेवल्स में मैं मुझे जैसा सियोरिटी मिलता है कि ये लेवल्स मार्केट में अचीव करेंगे, इन लेवल्स के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो पैसा कमाते हो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के देता हूँ। तो ध्यान से आप लोग ये लेवल्स नोट करिए और इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करिए। चलिए, कैंडल तो काफ़ी ख़राब बना है, जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस एक बार हिट करना चाहिए। चलिए लेवल्स के ऊपर चलते हैं। सपोर्ट रहेगा 146.95 पैसा। अगर अशोक लेलैंड 146.95 पैसे के नीचे सस्टेन करता है सेल कर सकते हो 144.40 पैसा, 143.30 पैसा। याद रखिए 146.95 पैसा के नीचे आप उसको सेल कर सकते हो। टारगेट आपको दो रहेंगे 144.40 पैसा और 143.30 पैसा। रेजिस्टेंस रहेगा 149.40 पैसा। जैसे ही 149.40 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है आप लोग बाई कर सकते हो। टारगेट रहेगा 151.85 पैसा, 151.85 पैसे के ऊपर 153.50 पैसा। याद रखिए 149.40 पैसे के ऊपर आप लोग बाई कर सकते हो। टारगेट रहेगा 151.85 पैसा, 153.50 पैसा। यहां तक आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, मुझे अभी भी लगता है कि ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर, इसको दोबारा हिट करना चाहिए, और ये रेजिस्टेंस को भी। अगर ये ऊपर वाला हिट नहीं करेगा तो 49 और 51 का लेवल तो ज़रूर हिट करेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। अगर आप फ्री इंट्राडे में कुछ इंट्राडे के अंदर कुछ ट्रेड लेना चाहते हो, अगर ऑप्शन पे हो गया, कैश पे हो गया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। वहाँ पर एक फ्री टेलीग्राम चैनल मैंने दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहते हो तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इंटरनेट में ऑप्शंस के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर मैं कुछ लेवल्स देता हूँ, आप लोग अगर फ्री में पैसा कमाना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, अगर आप लोग पेड सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो, पेड सर्विस में पैसा दे के अगर आप कुछ ट्रेड लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी पेड सर्विस की, और आप लोग पेड सर्विस में ज्वाइन करके इंटरनेट में हर रोज आप लोग पैसा कमा सकते हो। चलिए ITC के ऊपर चलते हैं। ITC में काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला, हम लोग ने एग्जैक्टली ITC को छोड़ा नहीं, पकड़े रहे। दो तीन दिन से मोमेंटम नहीं था, फिर भी हम लोग उसको वेट करके थे। जो लेवल्स हमने दिए थे वो लेवल्स यहाँ पर अचीव हुआ है ज्यादा, और अगर चाहते हो तो दिखा देता हूँ आप लोग को ITC का लेवल्स मैंने क्या दिया था। ITC का रेजिस्टेंस मैं आपको पहले बता देता हूँ, सॉरी सपोर्ट 290.70 पैसा सपोर्ट था, नीचे चले तो 85 तक 296.95 पैसा। ये शायद एक हफ्ते से एक ही लेवल दे रहा हूँ, 303 तक दिया था, 300 तक मार्केट ने आया, 299.50 पैसा। एनीवे जो भी लेवल्स था वो अचीव हुआ यहाँ पर। तो अभी आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है। कैंडल काफ़ी अच्छा बना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो एक ब्रेकआउट लेवल के साथ साथ यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 300 के ऊपर एक बार ट्रेड होना चाहिए, अगर उसके बाद नीचे आता है तो वो हम लोग देखेंगे। ITC का सपोर्ट रहेगा 296.55 पैसा, जैसे ही 296.55 पैसे के नीचे सस्टेन करेगा, ट्रेड होना स्टार्ट करेगा, आप लोग सेल कर सकते हो। टारगेट रहेगा 293.60 पैसा, 289.50 पैसा। याद रखिए 296.55 पैसे के नीचे आप लोग उसको सेल कर सकते हो। टारगेट रहेगा 293.60 पैसा, 289.50 पैसा। रेजिस्टेंस रहेगा 299.50 पैसा। जैसे 299.50 पैसा अगर मैं आपको कहूँ तो 300 लेके चलो 50 पैसे के ऊपर, जैसे 300 के ऊपर सस्टेन करेगा या फिर 299.50 पैसा के ऊपर सस्टेन करेगा, बाई कर सकते हो। टारगेट रहेगा 306.50 पैसा और 310। आपके सामने सारे लेवल्स मैंने रख दिया हूँ, आप लोग काइंडली उन लेवल्स को नोट करके मार्केट में ट्रेड करिएगा। अगर नोट करने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मार्केट में ट्रेड करने से पहले आप लोग उन लेवल्स को चार्ट में ऐड करके रखिए, सो दैट आपको मार्केट में काम करने में इजी हो। चलिए फाइनल स्टॉक्स पे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम हुआ है। लेवल्स डिस्कस करने से पहले आप सभी को दोबारा एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए एक बार मेरे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर वो रेड कलर में हाईलाइट है तो दोबारा उसको दबा के ग्रे कलर में कन्वर्ट, वो जैसे ही आप उसको दबाओगे वो हाईलाइट नहीं होगा, एक ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो सब्सक्राइब हो गया है। अगर सब्सक्राइब है तो अच्छी बात है, दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेवल्स हम लोग देखते हैं 505.50 पैसा। चलिए आप लोग को वेट होगा कि मैंने क्या लेवल्स दिया था क्या नहीं दिया था, वो भी देखने के लिए आपको लोग वेट कर रहे होंगे। तो मैं दिखा देता हूं मैंने क्या लेवल्स आपको दिए थे। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अगर झूठ बोल रहा हूं तो एक बार प्रीवियस डे में जाके वीडियो चेक करिए जहां पर मैंने लेवल्स दिए थे। 498.55 पैसा के ऊपर अगर स्टेट बैंक चलता है तो टारगेट मैंने दिया था 503.50 पैसा, 507.90 पैसा, ये 510 तक आ गया, चलो 493.25 पैसा, बट मार्केट इतना नीचे भी नहीं गया है। काफी अच्छा टारगेट आपको दिया था 508 तक, 507.90, 508 पकड़ के चले तो काफी अच्छा ट्रेड वहां पर मिला आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 505.50 पैसा का सपोर्ट है, जैसे ही सपोर्ट के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट करते हैं आप उसको सेल कर सकते हो यहाँ पर। और टारगेट क्या होना चाहिए, 500 का राउंड लेवल, 500.40 पैसा, 492.45 पैसा। याद रखिए 505.50 पैसा के नीचे सेल करना है, 500.40 पैसा पहला टारगेट, 492.45 पैसा दूसरा टारगेट, बट उतना मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये 500 के आसपास से होल्ड करना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए 510.60 पैसा, जैसे ही 510.60 पैसा के ऊपर सस्टेन करता है इंट्राडे में बाय कर सकते हो, 513.50 पैसा, 518 यहां तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। तो गाइज 510.60 पैसा के ऊपर अगर सस्टेन करता है बाय कर सकते हो, जो भी लेवल्स आपके सामने हैं उन लेवल्स के ऊपर आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए। इंट्राडे के अंदर मैंने एक शॉर्ट्स मैंने डाला था, छोटा सा वीडियो मैंने पोस्ट किया था बैंक निफ्टी के ऊपर, काफी अच्छा वहां पर ट्रेड मिला, काफी अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर ऐसे ही प्रॉफिटेबल वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके रखिए, सो दैट इन फ्यूचर कुछ भी मैं अपलोड करता हूँ कुछ भी अपडेट करता हूँ आपको मिले। वीडियो अच्छा लगता है दूसरों के साथ शेयर जरूर करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।